बहुत ही लोगों का ये सवाल होता है, सबको हाथ जोड़कर विनती है कि जो भी खाना है उसको टेस्टी बना के खाइए। अगर टेस्टी नहीं बनाएंगे, बहुत लोग खाने को दवाई की तरह खाने लगते हैं, ये गलती कभी नहीं करनी। खाने में टेस्ट होना चाहिए, खाने में वैरायटी होनी चाहिए। तो ये जो बहुत बड़ी जरूरत है कि खाने को खाने की तरह खाना है, खाना जब सामने आए तो मन करे कि मैं खाऊं इसे। क्या आप कैंसर, किडनी फेल, लिवर फेल, हार्ट प्रॉब्लम या अन्य किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं और आपको डॉक्टर ने लिवर या किडनी ट्रांसप्लांट या फिर कैंसर के लिए कीमोथेरेपी और अन्य किसी ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, तो रुकिए। हिम्स हॉस्पिटल में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, डाइट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और एलोपैथी की मदद से हर लाइलाज रोग का इलाज किया जाता है। यहाँ 60-70% लोगों का डायलिसिस बंद हो जाता है और जिनका डायलिसिस शुरू होना होता है उनको डायलिसिस करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हिम्स में स्टेज 4 कैंसर के कई पेशेंट्स को नई जिंदगी मिली है। अगर आप हिम्स हॉस्पिटल में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो अब पूरे देश में कई स्थानों पर खुल चुका है, या घर बैठे हिम्स की सुविधा हिम्स एट होम का लाभ उठाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 8270482704 पर कॉल करें। धन्यवाद। खाने को ऐसा बनाना ये पॉसिबल है, इसी डाइट से। ये गेहूं खाना बहुत जरूरी नहीं है, ना दूध पीना ज्यादा जरूरी है, ना नॉन वेज खाना जरूरी है। इन्हीं जो जो कुछ आपको खाना है उसी खाने की वैरायटी बढ़िया से बढ़िया होनी चाहिए। उसी खाने को टेस्टी कैसे बनाना है, स्पाइसी खाने का मन तो स्पाइसी कैसे बनाना है, मीठा खाने का मन तो मीठा कैसे खाना है। ड्रिंक कोई पीने वाली चीज है या मिलेट की खमीर जो अम्बली है, इसकी ड्रिंक्स इतनी बढ़िया बनती है, लस्सी वस्सी सब में आ जाती है। तो ये पूरे का पूरा कहीं ना कहीं आपको वैरायटी की बहुत जरूरत है। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।